हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीए संसार एंड दिस इज सीए स्तुति महाजन। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे चेंजेस इन जीएसटी रेट्स एंड आरसीएम। लेट्स डिस्कस। चेंजेस इन जीएसटी रेट्स एंड आरसीएम। एज वी ऑल नो, 49 जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी, उसके अंदर कई सारे चेंजेस के बारे में डिस्कस किया गया था कि जीएसटी रेट्स कुछ को तो एग्जम्प्ट किया गया है, कुछ आरसीएम के अंदर कवर किए गए हैं और कुछ आइटम्स के जीएसटी रेट्स जो है वो डिक्रीज किए गए हैं। तो उसी के रिगार्डिंग जो नोटिफिकेशन आई है उसको हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास 28 फरवरी को 4 नोटिफिकेशन आई है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नोटिफिकेशन नंबर 1। तो नोटिफिकेशन नंबर 1 के अंदर क्या डिस्कस किया गया है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन फी एग्जम्पशन एरिया वाइडेंड। अ न्यू क्लोज हैज बीन एडेड टू पैरा 3 इन एक्सप्लेनेशन ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 12/2017। इसके अंदर क्या है, एग्जम्पशन नोटिफिकेशन है जिसके अंदर 4A एक नया क्लोज ऐड किया गया है। एज पर दिस क्लोज एनी अथॉरिटी बोर्ड और बॉडी सेट अप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूडिंग नेशनल टेस्टिंग एजेंसी फॉर कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस शेल बी ट्रीटेड एज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर लिमिटेड पर्पस फॉर प्रोवाइडिंग बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम फॉर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। हेंस एग्जम्पशन अर्लियर अवेलेबल टू सेंट्रल एंड स्टेट एजुकेशन बोर्ड्स हैज बीन एक्सटेंडेड टू द अबव मेंशनड अथॉरिटी बोर्ड बॉडी इंक्लूडिंग एनटीए। तो इसके अंदर क्या है, पहले ये वाली जो एग्जम्पशन थी एंट्रेंस एग्जामिनेशन फीस की जो एग्जम्पशन थी वो किसको मिल रही थी, सिर्फ सेंट्रल और स्टेट एजुकेशन बोर्ड्स को। अब उसके अंदर उन्होंने क्या बोला है कि जो भी अथॉरिटीज या बॉडीज एंट्रेंस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करेंगी तो उसके रिगार्डिंग जो भी उनकी एंट्रेंस एग्जामिनेशन फीस है उसको एग्जम्प्ट कर दिया गया है जीएसटी से। तो एरिया जो है, जो कि पहले सिर्फ सेंट्रल एंड स्टेट एजुकेशन बोर्ड तक लिमिटेड था, उस एरिया को उन्होंने वाइडन कर दिया। वाइडन एरिया करते हुए उन्होंने जो भी इंस्टीट्यूशंस कंडक्ट करेंगी, अथॉरिटीज या बोर्ड कंडक्ट करेंगी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उन सबको उन्होंने उसके अंदर ले लिया एग्जम्पशन में। नेक्स्ट हमारे पास है नोटिफिकेशन नंबर 2। अब नोटिफिकेशन नंबर 2 को हम देखते हैं, उसके अंदर उन्होंने क्या बोला है, सर्विसेज बाय वे ऑफ कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स कवर्ड अंडर आरसीएम। इसके अंदर उन्होंने क्या किया, फॉर द वर्ड्स स्टेट लेजिस्लेचर द वर्ड स्टेट लेजिस्लेचर कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। तो जहां पे हमारी आरसीएम सर्विस नोटिफिकेशन के अंदर जहां हमारा वर्ड आ रहा था स्टेट लेजिस्लेचर, वहां पे उन्होंने स्टेट लेजिस्लेचर कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स कर दिया। मीन स्टेट लेजिस्लेचर तो हमारे पास पहले भी था, तो उसी एग्जम्पशन नोटिफिकेशन के अंदर कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स ऐड कर दिए गए। नाउ द एक्सप्लेनेशन रीड एज फॉलोज। अब हमारी वो जो एक्सप्लेनेशन है वो किस तरह से आ गई, प्रोविजंस ऑफ दिस नोटिफिकेशन इन सो फार एज दे अप्लाई टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट शेल ऑल्सो अप्लाई टू द पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स। जिसके अंदर क्या है, जो प्रोविजंस हमारे आरसीएम के अंदर कवर होती है, जहां पे पहले सिर्फ वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को कवर कर रहे थे, तो उसी के साथ साथ स्टेट लेजिस्लेचर कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स को भी आरसीएम में कवर कर दिया गया। नाउ द आरसीएम प्रोविजंस विल अप्लाई टू सर्विस प्रोवाइडेड बाय कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल एज दे अप्लाई करंटली टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो जिस तरह से हमारे जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है वो आरसीएम में कवर होंगी, सेम वे में जैसे कि वो सर्विस आरसीएम लग रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। तो इसको अगर हम प्रेस रिलीज की वर्डिंग क्या थी उसके अंदर, सच एज रेंटिंग ऑफ प्रीमाइसेस टू टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ टावर्स, रेंटिंग ऑफ चैम्बर टू लॉयर्स एक्सेट्रा। जो रेंट पर देते हैं हम लोग चैम्बर्स दिए जाते हैं लॉयर्स को, आपको पता है कि जो एडवोकेट की सर्विसेज है उसके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। तो अगर आपने लॉयर को रेंट पर चैम्बर दिया है तो वो सर्विस आपकी आरसीएम में कवर होगी या फॉरवर्ड मैकेनिज्म में, तो इसको लेके कई सारी क्वेरीज भी आती थी जिसके लिए हमारे पास भी क्लैरिटी नहीं थी। तो इस प्रेस रिलीज के थ्रू और अब जो उसके बाद नोटिफिकेशन नंबर 2 आ गई, नोटिफिकेशन नंबर 2 के अंदर क्लियर कट उन्होंने कर दिया कि अगर आप रेंट ऑफ चैम्बर करते हो टू द लॉयर्स को तो वो सर्विस भी आपकी आरसीएम में ही कवर होगी। अब हम चलते हैं नोटिफिकेशन नंबर 3 के ऊपर।
तो डेरिवेशन नंबर 3 क्या बोलती है, टेक्स ऑन रब, रब के जेगरी गुड प्री पैकेज्ड इन लेबल फॉर्म। अगर आप जेगरी को गुड को प्री पैकेज्ड इन लेबल फॉर्म के अंदर सेल कर रहे हो तो उस केस में उसके ऊपर जीएसटी रेट क्या लगेगा, 5%। कंसरी शुगर प्री पैकेज्ड इन लेबल, तो इसके अंदर उन्होंने क्या बोल दिया है, दिस कमोडिटीज वर ऑलरेडी देयर इन द एंट्री नंबर 91A ऑफ रेट शेड्यूल 1 2.50%, क्योंकि ये कब आई थी, जब ये प्री पैकेज एंड लेबल फॉर्म के अंदर आ गए थे, ठीक है। तो उसी के अंदर रब प्री पैकेज एंड लेबल को न्यूली ऐड कर दिया उसी एंट्री के अंदर 91A में, जो 2.5%, 2.5% मींस 2.5% CGST और 2.5% SGST, तो टोटल हमारे पास कितना जीएसटी का रेट हो गया, 5%। तो उसी के अंदर हमारा अब उन्होंने क्या ऐड कर दिया, रब प्री पैकेज्ड एंड लेबल। अगर आप रब प्री पैकेज्ड एंड लेबल फॉर्म के अंदर सेल कर रहे हैं तो उस केस में जीएसटी जो एप्लीकेबल होगा वो होगा 5%। एंड द मेन पॉइंट इज, इसके ऊपर प्रेस रिलीज में इसकी डेट नहीं थी दी गई कि ये कब से डेट जो है एप्लीकेबल होंगे, तो ये एप्लीकेबल होने जा रही है 1 मार्च 2023 से। तो जो पहले हमने नोटिफिकेशन नंबर 1 और नोटिफिकेशन नंबर 2 देखी है उसकी भी इफेक्टिव डेट क्या है, 1 मार्च 2023। नेक्स्ट, पेंसिल्स शार्पनर्स, इट इज एडेड टू एंट्री नंबर 186A ऑफ शेड्यूल 2 6% एंड रिमूव फ्रॉम द एंट्री नंबर 302A फ्रॉम शेड्यूल 3 9% बाय मेकिंग एडिशन अदर देन पेंसिल शार्पनर। तो इसके ऊपर जो पहले 18% था, क्या कहना चाह रहे हैं, जो पहले 18% रेट था उसको चेंज करके इसका रेट 12% कर दिया गया, ठीक है। तो पेंसिल शार्पनर्स के ऊपर जो जीएसटी का रेट है वो भी 12% कर दिया गया है। तो इसका जो जीएसटी का रेट है, जो नया रेट इफेक्टिव होगा 12% वाला, वो भी कब से होगा, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 मार्च 2023। नेक्स्ट नेक्स्ट नोटिफिकेशन हमारे पास है, ये नोटिफिकेशन नंबर 4 बाय 2023। नोटिफिकेशन नंबर 4 बाय 2023 क्या बोलती है, रब अदर देन प्री पैकेज्ड एंड लेबल फॉर्म। हमने अभी क्या बात किया कि रब अगर वो प्री पैकेज एंड लेबल फॉर्म के अंदर है तो उसके ऊपर जीएसटी है 5%। तो अगर हम बात करते हैं कि रब अदर देन प्री पैकेज एंड लेबल फॉर्म मीन्स अगर आप उसको सेल कर रहे हो लूज फॉर्म के अंदर, तो उस केस में उसको एग्जम्प्ट कर दिया गया। अगर आप रब को लूज फॉर्म में सेल कर रही हो, कोई उसके ऊपर प्री पैकेजिंग या लेबलिंग नहीं की हुई है, तो उसके ऊपर जीएसटी का रेट क्या है, 0%। जीएसटी से उसे एग्जम्प्ट कर दिया गया। तो ये जो एग्जम्पशन नोटिफिकेशन आई है ये भी कब से एप्लीकेबल हो रही है, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 मार्च 2023। तो अगर आप देखोगे तो विद इफेक्ट फ्रॉम 1 मार्च 2023 से हमारे पास आई सबसे पहले नोटिफिकेशन नंबर 1। नोटिफिकेशन नंबर 1 के अंदर हमने क्या किया कि जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन फीस की एग्जम्पशन थी उसका स्कोप वाइडन कर दिया। पहले वो सिर्फ सेंट्रल एंड स्टेट एजुकेशन बोर्ड के पास एग्जम्पशन थी, उसका एरिया वाइडन कर दिया। जो भी एजेंसी या बोर्ड अगर कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करते हैं तो उस केस में उस फीस को जीएसटी से एग्जम्प्ट कर दिया गया, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 मार्च 2023। नोटिफिकेशन नंबर 2 उसके अंदर क्या है, सर्विसेज बाय कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल्स को भी कवर कर दिया अंडर आरसीएम। तो ये भी जो उन्होंने कवर किया अंडर आरसीएम, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 मार्च 2023। देन नोटिफिकेशन नंबर 3 बाय 2023 क्या बात करती है कि जो रब है प्री पैकेज एंड लूज फॉर्म में, उसके ऊपर जीएसटी का रेट है 5% विद इफेक्ट फ्रॉम अगेन 1 मार्च 2023 से। और पेंसिल शार्पनर्स के ऊपर जो जीएसटी का रेट है दैट इज 12% अगेन विद इफेक्ट फ्रॉम 1 मार्च 2023। और अगर आप नोटिफिकेशन नंबर 4 बात करती है कि अगर आप रब को अदर देन प्री पैकेज एंड लेबल फॉर्म के अलावा मीन्स लूज फॉर्म के अंदर अगर आप उसको सेल करते हैं तो वो एग्जम्प्ट है जीएसटी से, ये भी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 मार्च 2023। सो दिस इज ऑल फॉर द डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।